नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल इग्नो स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज, जो कि किससे रिलेटेड है, जो है आपके फ्रेश एडमिशन के लिए और री रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए है। तो मैं आपको डिटेल से बताते हैं, कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बताता हूँ किसको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और किसको नहीं करवाना होता और री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर ऑफिशियल नोटिस चाहिए या ऑफिस की कोई जानकारी चाहिए ऑफिशियल, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे सेंड करना है इग्नो। अगर आप इग्नो इग्नो लिखकर ओनली इग्नो लिखेंगे, उसके बाद में आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो आप सर्च करने के बाद में आप कुछ ऐसी साइट ओपन हो जाएगी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, जो ये लिंक दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ये क्लिक करने के बाद आप नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद आपको नोटिफिकेशन, सभी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो दिखाई देगी कि नोटिफिकेशन क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसके बाद में जो है क्या रहा क्या नहीं रहा, उसके सब चीज़ आपको दिखाई गई है। उसके बाद में जब आप देखते हैं री रजिस्ट्रेशन के लिए कि इग्नू के अंदर क्या होता है, कि री रजिस्ट्रेशन जो है उसका क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम री रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है इग्नू री रजिस्ट्रेशन। ये लिखने के बाद में आपको दिखाई दे रहे हैं कि इग्नू री रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, नई इन्फॉर्मेशन क्या मिली है। तो दोस्तों देखिए, जो इग्नू की री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो पहले क्या थी दोस्तों, वो पहले 31 अगस्त थी, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 15 सितंबर कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं री रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। कृपया आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समय आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जरूरी है सभी स्टूडेंट के लिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये कि क्या होता है री रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जिस भी बच्चे का एडमिशन जो आप है, जिसका जुलाई 2020 सेशन में हुआ है, जुलाई 2020 सेशन में मतलब कि जिनका एडमिशन जो है जून 2020 से लेकर 31 दिसंबर तक जिस बच्चे का एडमिशन हुआ था, उस बच्चे का अभी री रजिस्ट्रेशन होगा। री रजिस्ट्रेशन मतलब सेकंड ईयर में एडमिशन, या फिर जिस बच्चे ने सेकंड ईयर के अंदर जो है जुलाई 2020 के बाद में जो है सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन जिनका हो गया था, और उसके बाद में अब वो फाइनल में जो उनका कंप्लीट हो गया, अभी फाइनल होता है उनका सेकंड ईयर उनका, अगर अब जून 2021 के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो उसको फाइनल ईयर के अंदर एडमिशन करवाना है, उसको बोलते हैं री रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जिस भी बच्चे ने जिनका एडमिशन जुलाई 2020 के बाद में हुआ है, जो है जनवरी 2021 से पहले वो बच्चे अपना री रजिस्ट्रेशन करवा ले। दोस्तों, आप हमसे भी री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप ये नंबर नोट कर लीजिए जो है 9992931109। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और आप जो है मुझसे री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर आप कहते, कुछ बच्चों के मन में सवाल है कि सर क्या, अगर हम मान लो जी कि अगर हम एग्ज़ाम नहीं दिए, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, जिन बच्चों के जुलाई 2020 में एडमिशन हुए थे उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो उनके एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होंगे, इसका नोटिफिकेशन जो है इन्होंने डाला हुआ है कि दिसंबर में हम एग्ज़ाम लेंगे। तो जिस भी बच्चे का एडमिशन, वो उनके डाउट रहता है कि सेकंड ईयर में जो है एडमिशन कैसे हो जाएगा, सेकंड ईयर में एडमिशन कैसे हो जाएगा जब फर्स्ट के तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए। तो दोस्तों, ये इग्नू यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जो एग्ज़ाम का कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम हुए या नहीं हुए, या आपके क्लियर है या नहीं है। इग्नू के अंदर आप ईयरली वाइज आप एडमिशन करवा सकते हैं, आप ईयर कंप्लीट होते हैं अपना एडमिशन करवाइए, उसका ये सिस्टम नहीं है कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिए या आपके एग्ज़ाम हुए नहीं या फिर आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाया, इसमें कोई मतलब नहीं है, आपको करवाना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप नहीं करवाते हो, अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आपका क्या लॉस होता है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। तो इसके अंदर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कि इस स्टूडेंट का जो है एडमिशन, इस स्टूडेंट ने जनवरी में एडमिशन लिया था, कब लिया था, जनवरी 2019 के अंदर जो है इस बच्चे का एडमिशन हुआ था, जनवरी 2019 के अंदर इस बच्चे का एडमिशन हुआ था। तो इस बच्चे ने क्या किया है कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम तो जब दे दिए या नहीं दिए, इसके बाद में इसने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, मतलब कि सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन नहीं करवाया। तो इस बच्चे ने एडमिशन कब करवाया है, जाके जैन 2021 में जो है इसने एडमिशन करवाया है। इसका कंप्लीट तो हो गया था, जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था वो जो दिसंबर जो है 2019 में ही कंप्लीट हो गया था फर्स्ट ईयर, इसको उसी वक्त जो है सेकंड ईयर के अंदर एडमिशन करवाना था, तो उसका 2021 के अंदर जो है फाइनल ईयर भी कंप्लीट हो जाता।
अभी है सेकेंडरी में। तो आप भी यह काम न करें कि आप री रजिस्ट्रेशन न करवाएं, जिससे आपका लॉस हो जाएगा 6 महीने का या 1 साल का। जैसे स्टूडेंट को 2 साल का लॉस हो चुका है, स्टूडेंट ने अपना 2 साल ख़राब कर ली हैं। तो आप भी दोस्तों ऐसे 2 साल ख़राब मत कीजिए, अपना री रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूर करवाने। जो भी बच्चा रहता है, अगर किसी को फिर भी कोई जानकारी चाहिए या किसी को समझ में नहीं आया है, तो आप जो है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों जो है री रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, वो 15 जो है सितंबर हो चुकी है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी, आप हमें कमेंट करके शेयर करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों अगर आप सॉल्वर्ड असाइनमेंट जो आपको चाहिए, तो आप जो है सॉल्वर्ड असाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको क्या है सिर्फ जो है नोट कर लिया जाइए। आप जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ignostudypoint.com के नाम से आप जो है अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको साइट मिल जाएगी। वहाँ पे जो है आपको ऑफिशियल जो है सॉल्वर्ड असाइनमेंट का जो है स्पेशल कॉलम मिलेगा। वहाँ पे जाके आप अपने जो भी असाइनमेंट आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल चीप प्राइस पे, आपको बिल्कुल कम प्राइस पे मिल जाएंगे। 15-20 रुपये में जो आपको सॉल्वर्ड असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने बोले, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।